Well, as that political battle plays out in Parliament over various issues and controversies that BJP ministers and chief ministers are facing, senior BJP MP and veteran party leader Shanta Kumar has written a letter to party president Amit Shah demanding an internal Lokpal for the party, also saying that the Vyapam scam had dented the image of the NDA government and made all of us bow our heads in shame. Mr. Shanta Kumar now joins us on NDTV today. Shanta Kumar ji, thank you so much for joining us today, sir. आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी मिस्टर कुमार, व्हाट मेड यू राइट दिस लेटर? देखिए, मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि मैं 60 साल से पार्टी से जुड़ा हूं और पार्टी में कोई बहुत बढ़िया उपलब्धि होती है तो हम लोगों को बड़ा गर्व होता है, लेकिन अगर कभी कहीं से कोई छींटे पार्टी पर पड़ते हैं तो हमको बहुत चिंता होती है। तो मैंने अपने मन के दर्द को, अपने मन की तकलीफ को अपने शब्दों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है, लेकिन ये पत्र 10 जुलाई का है। मैं प्रेस को इस पत्र को नहीं देना चाहता था। मेरी फेसबुक को, जो मेरे मित्र मेंटेन करते हैं, उन्होंने अनजाने में इसको दे दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पत्र मैंने लिखा है, पत्र के एक एक शब्द के साथ मैं खड़ा हूं और मैंने अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को पार्टी के अध्यक्ष महोदय को लिखा है। शांता कुमार जी, आपने बहुत स्ट्रांग चिट्ठी लिखी है और आपने अभी बताया कि आपने किन किन मुद्दों पर लिखा है। आपने व्यापम के बारे में लिखा है, आपने ये भी कहा है चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, पीपल आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट अस। एज आई सेड, आपने व्यापम के बारे में लिखा है दैट इट्स मेकिंग आर हेड्स बाउ इन शेम एंड दैट पीपल आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। ये काफी स्ट्रांग शब्द हैं आपके। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पार्टी इन मुद्दों को हैंडल कर रही है इस वक्त, जिस तरह से पार्टी ने इन सब लोगों को डिफेंड किया है, क्या वो सही रास्ता अपना रही है पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी डिफेंड नहीं कर रही, पार्टी वस्तुस्थिति को सामने रखने की कोशिश करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी परिस्थिति संसद में पैदा हुई है उस स्थिति से निपटने के लिए पार्टी ठीक फैसला करेगी। मेरे मन में जो था वो मैंने पार्टी अध्यक्ष महोदय को कह दिया, अब उस पर पार्टी विचार करेगी। देखिए, मेरा एक कहना है कि मैं 60 साल से पार्टी से जुड़ा हूं और मेरे साथ के लोग जो 53 में जेल में थे, 75 में जेल में थे, वो आज उस दुनिया में नहीं है। वो नीम के पत्थर बन करके चले गए, मुझे उनकी याद आती है और जब उनकी याद आती है तो मुझे जो ठीक लगता है वो पार्टी अध्यक्ष महोदय को मैं कहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है संसद में इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी पार्टी ठीक फैसला करेगी और पार्टी का जो भी फैसला होगा हम सब उसके साथ होंगे। शांता कुमार जी, क्या आपको लगता है कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, इनको इस्तीफा देना चाहिए जिस तरह से विपक्ष भी इसकी मांग कर रही है? क्या आपको लगता है इस्तीफा ही एक रास्ता है जिससे थोड़ी क्रेडिबिलिटी वापस आएगी सरकार के लिए? देखिए, मुझे जो लगता था मैंने पत्र में लिख दिया है। अब इन सब सवालों पर पार्टी निर्णय करेगी कि आज की परिस्थिति में किस सवाल पर क्या होना चाहिए, पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम सब साथ रहेंगे। शांता कुमार जी, क्या पार्टी के अंदर आपको सपोर्ट है जो आपने चिट्ठी लिखी है? क्या बाकी बीजेपी के नेता भी आपके साथ हैं? क्या वो भी यही व्यूज शेयर करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि मनुष्य सबसे ज्यादा, सबसे पहले अपनी आत्मा के सामने जवाबदेह होता है। मुझे जो ठीक लगा वो एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने मन की बात आदरणीय अध्यक्ष जी को कह दी और मुझे लगता है कि मैंने अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कितने लोग सपोर्ट नहीं करते। इस पर ना मुझे वोट लेने हैं, ना कोई समर्थन लेना है। मैंने अपने मन की बात निर्भरता के साथ, निर्भयता के साथ अध्यक्ष महोदय को कही है। शांता कुमार जी, राजीव प्रताप रूडी ने एक बाइट दिया है रिपोर्टर्स को आज पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांता कुमार हैज बीन कैरीड अवे बाय कांग्रेस प्रोपोगेंडा, वी डिसोसिएट आवरसेल्फ्स फ्रॉम व्हाट ही हैज सेड। आपकी रिएक्शन क्या है इसको लेकर? नहीं, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। मुझे इतना ही कहना है, मुझे जो लगा वो ईमानदारी के साथ मैंने अपने पत्र में लिख दिया।
अब उस पर मैं किसी प्रकार की सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस प्रोपेगेंडा कहना तो फिर ठीक नहीं है ना, आप तो कह रहे हैं कि ये आपने अपनी मन की बात कही है। मैंने अपने मन की बात कही है। शांता कुमार जी, एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जेपी नड्डा ने आपको फोन किया आज सुबह और बताया कि आप इस पर और ना बोले पब्लिक में, ऐसा कुछ हुआ क्या? आपको फोन आया किसी से, जेपी नड्डा से, किसी और से? देखिए, नड्डा जी मेरे हिमाचल के हैं, मेरे छोटे भाई अजीत की तरह है, उनसे बात होती रहती है। आज उनसे बात हुई है, किसी और बात के बारे में बात हुई है, ये भी मेरी बात हुई है। उनको भी मैंने यही कहा है, मैंने कहा 10 जुलाई को मैंने पत्र लिखा था और मेरे मन में जो बातें थी वो मैंने लिखी हैं, यही बात मैंने उनसे कही है। शांता कुमार जी, देखिए ये गलत धारणा जा रही है। जी जी, एक गलत धारणा जा रही है कि मुझे फोन आया, मुझे मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे संतुष्ट, सबसे ज्यादा खुश यदि कोई कार्यकर्ता है, उसका नाम शांता कुमार है। मैं 2 बार हिमाचल का मुख्यमंत्री रहा, मैं केंद्र का मंत्री रहा। जब मैं नाराज ही नहीं हूं तो मुझे मनाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मैं एक पुराना कार्यकर्ता हूं, मुझे अच्छी बात से गर्व होता है और कभी कहीं से छींटे लगते हैं तो तकलीफ होती है, वेदना होती है, दर्द होती है। मैंने अपना दर्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचाया है, केवल इतनी बात है। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि आप इतने, आप एक वेटरन लीडर हैं एल के अडवाणी की तरह, और एक तरह से आपके, आपका पॉलिटिकल आइसोलेशन हो गया है और इसीलिए आपने ये पत्र लिखा, इन अ सेंस टू ड्रॉ अटेंशन टू योरसेल्फ। मेरा, देखिए ये बड़ी गलत धारणा है, मेरा कोई पॉलिटिकल आइसोलेशन नहीं हुआ। मैं तो स्वयं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मेरे पूरे परिवार ने फैसला किया था बहुत हो गया। मैं लिखने पढ़ने में और मैं जो सेवा का एक काम कर रहा हूं, विवेकानंद मेडिकल रिसर्च, उसमें काम करना चाहता था। लेकिन आदरणीय राजनाथ जी ने मुझे 2 बार बुलाया और मुझे कहा आपको चुनाव लड़ना है। मैं तो चुनाव ही लड़ना नहीं चाहता था, चुनाव लड़ा, अब मैं सांसद हूं। मुझे मेरी पार्टी ने हमेशा पूरा सम्मान दिया है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, न पार्टी से गिला शिकवा है, न भगवान से गिला शिकवा है। शांता कुमार जी, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को अपनी साइलेंस खत्म करनी चाहिए इन सारे मुद्दों को लेकर जिस पे आपने अभी ये चिट्ठी लिखी है? क्या प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए इन मुद्दों को लेकर? देखिए, मैंने अपनी मन की बात कह दी। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पार्टी को, मेरे प्रधानमंत्री को आज की परिस्थिति में जो करना चाहिए वही पार्टी का निर्णय होगा और मैं पार्टी के निर्णय के साथ रहूंगा। मगर आपको तो अब ऐसा लगता है कि स्थिति ऐसे आ गई है कि पार्टी को एक इंटरनल लोकपाल की जरूरत है? मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगता है आपको अभी पार्टी में क्या है? देखिए, मुझे जो प्रॉब्लम लगती थी और मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। लोकतंत्र का यही तकाजा है। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसा कार्यकर्ता इतनी निर्भीकता से अपनी बात कह सकता है। कांग्रेस में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वहां कोई व्यक्ति उठकर किस प्रकार की बात कहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सरकार की जो छवि है, इट हैज बीन हर्ट बाय ऑल दीज स्कैंडल्स? निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है और एक साल हमारा उपलब्धियों का साल रहा है। मैंने पत्र में ये कहा है कि हम उपलब्धियों का जश्न मना रहे थे लेकिन उस पर कुछ छींटे पड़े हैं। उन छींटों के पड़ने से मेरे मन में चिंता हुई, वो मैंने व्यक्त की है और मुझे पूरा भरोसा है हमारी पार्टी उचित विचार करेगी, उचित निर्णय लेगी। शांता कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी टुडे एंड स्टैंडिंग बाय योर कमेंट्स देयर एंड योर लेटर, वेरी स्ट्रांगली वर्डेड लेटर टू अमित शाह ऑन व्हाट यू बिलीव आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग द पार्टी एज इट बैटल्स सेवरल स्कैंडल्स ऑन मेनी फ्रंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।